हेलो एवरी वन सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी टू टॉपिक्स फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन रिवर्सिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड देन वी विल सी वॉट आर द सिक्योरिटी इशूज वी यूजली फाइंड इन मैनिफेस्ट फाइल सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं एप्लीकेशन को एंड्रॉयड एप्लीकेशन्स को सो आई गेस मैंने हमारा सेकेंड सेशन में हमने यूजिंग ए पी के टूल कर चुके हैं बट अगेन आई एम रिपीटिंग यर लाइक हाउ वी कैन डू दैट सो सो वी आर हैविंग ए वी विल अंडरस्टैंड द थ्री मैथड्स सो जो पहला मैथड था यूजिंग ए पी के राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एपी के इंस्टॉल करना था सो so, उसी उसके लिए बहुत सिंपल कमांड है ए पी टी इंस्टॉल ए पी के टूल एंड उसके बाद आपको क्या करना है आपको लिखना है ए पी के टूल डी डीज फॉर डी कंपाइल एंड द एप्लीकेशन नेम सो इन आर केस वी आर टेकिंग डीवा हाइफन बीटा डॉट ए पी के सो इस प्रोसेस से हमारा जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा रिवर्स ठीक है हम डी कम्पायर सो इनिशियली हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने देखा था एंड्रॉइड इज नथिंग जस्ट एप एक जिप फाइल है ठीक है सो उसे हम अनजिप भी कर सकते हैं जो ये मेथड से हमने किया था अनजिप एंड डिवा हाईफन बीटा डॉट ए पी के एंड अगर मुझे डायरेक्ट्री में उसे स्टोर करना है तो आई विल दिस वे बट इस केस में हम जो मैनीफेस्ट फाइल है उसे ओपन नहीं कर सकते थे बट इस मेथड से जो ये वाला है इसके थ्रू हम अपनी जो मैनिफेस्ट फाइल है उसको हम देख सकते हैं सो so जैसे कि आई एम रिपीटिंग हिर अगेन सॉरी अनसे एंड यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ डी आई वी एंड हाई फंडी I will mention here. So now we will see every method. So okay. So here is the Android manifest file and अगर I open करती it, हूँ, so it's in it's not in the readable format. हम इसको नहीं देख सकते. तो ये पहला method था. इसके अगेंस्ट हमने आज जो बात की वो है APK tool के through. So अगर मैं इसी application को APK D and I have to mention the applications name and it will decompile the application and in in this case I can open the Android manifest file yes so now you can see the directory which is a diva hyphen beta and here you have have there is a uh, Android manifest file, so we will open that and this is uh, in the readable format. We can read all the content. So this way we can just uh, decompile the application. Now jo next method hai, uh, which is a, here in this method. We will convert uh, we will reverse the application with the dex2 jar tool. एंड वी विल यूज दैन जे डी ग्राफिकल इंटरफेस राइट वी विल यूज दीज टू टूल्स बट आपको ये टूल्स इंस्टॉल कैसे करने हैं अगेन टू सिंपल आप इस तरीके से डेस्क टू जार लिखेंगे एंड यहाँ पे आपको लिखना है ए पी टी इंस्टॉल जे डी ग्राफिकल जी वाई ठीक है सो ये दो टूल की हेल्प से आप अपना जो सिस्टम है वो रेडी कर सकते हैं फॉर दिस मेथड नाउ व्हाट हैपन विद दिस मेथड यहाँ पे क्या होता है इस मेथड से हम पहले जो हमारी डेक्स फाइल है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू द जार फाइल मींस जो आपकी ए पी के फाइल है उसको हम जार में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसे जावा में सो so, इसमें कन् अगर मुझे फर्स्ट अभी कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फाइल टू द जार वाइल तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी आई विल यूज़ द यहाँ से ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए मैं डेक्स टू जार टूल को यूज़ करूँगी उसके अंदर एक यूटिलिटी आता है विच इज़ डी टू जे वेट यूटिलिटी इज़ डी टू जे एंड देन डेक्स टू जार ठीक है ये यूटिलिटी को यूज़ करूंगी अभी ये यूटिलिटी क्या करेगा इट विल कन्वर्ट द टेक्स्ट फाइल इनटू द जार फाइल एंड देन आप वो आपको जार फाइल मिल जाएगी एंड देन वो अपनी जो जार आर्काइव फाइल है वो आप यहाँ पे ओपन कर पाएंगे सो दिस इज़ द वन मेथड दैट वी कैन यूज़ हियर राइट सो सबसे पहले हम यहाँ से वापस आते हैं एंड देन दिस इज द एप्लीकेशन अभी सिंपली आपको टूल इंस्टॉल करने हैं बट अगेन डे टू जे डेक्स टू जार ठीक है एंड देन आपको uh, लिखना है एप्लीकेशन का नाम सो इन आर केस द एप्लीकेशन विल बी सेम डीवा हाइफन बीटा डॉट ए पी के सो so, ये क्या करेगा एप्लीकेशन की एक जार फाइल बना देगा दैट यू कैन सी हियर दिस इज़ द जार फाइल ओके नाउ अभी हमें क्या करना है वी रिक्वायर दिस टूल जे डी हाईफन जे यू आई एंड फाइल में क्लिक करना है ओपन फाइल एंड यहाँ पे हमें ये जार फाइल ओपन कर देनी है एंड दिस वे यू कैन जस्ट ओपन योर यू कैन सी योर

ओके सो इफ आई वुड से मैं यही मेथड को यूज़ करती हूँ और इसी के थ्रू uh, इसका जो रिज़ल्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड डेक्स टू जार के ज़्यादा अच्छा है उसका जो कोड uh, का लाइक सिमिलर ओरिजिनल की तरह रहता है ठीक है तो इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है आपको लिखना है ए इंस्टॉल टी इंस्टॉल्स एंड देन ये करता क्या है बेसिकली अंडरस्टैंड ये ये टूल डायरेक्टली एपी को एपीके को जावा में कन्वर्ट करता है ठीक है सो इट्स ए बेसिकली वी कैन से मॉडर्न अप्रोच जो कन्वर्ट करता है आपकी एपी के फाइल डायरेक्टली टू द जावा फाइल एंड सबसे uh, ये है कि इसका जो आउटकम आता है वो मच बेटर आता है अगेन विद दिस मैथड सो इट्स वेरी सिंपल टू यूज यू डोंट हैव टू बी जस्ट फर्स्ट कंप्लीट दवा एंड द वन मोर थिंग लाइक इन लाइक सोर्स कोड फ्रॉम डेक्स टू डेक्स फाइल में से आपको यहाँ पे डी कम्पाइल्ड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल भी मिल जाती है दैट दैट वी रिक्वायर्ड नाउ राइट सो लेट मी शो यू नाउ हाउ वी कैन इंस्टॉल इंस्टॉल करना तो सिंपल है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको यूज करना है ठीक है आप इसका ग्राफिकल और नॉर्मली सी एल आई भी यूज कर सकते हैं अभी यहाँ पे आस्किंग फोर द एप्लीकेशन सो आई एम यूजिंग द एप्लीकेशन सी, सो सिंपली हमें एप्लीकेशन यहाँ पे मिल गया है इफ आई गो टू द रिसोर्सेस हियर माय एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल इज हि ओके सो दिस वे आई कैन जस्ट रिवर्स द एप्लीकेशन विद दिस थ्री मेथड्स फर्स्ट हमने देखा विद एपी के टूल्स देन यूजिंग डेक्स टू जार एंडर वी यूज द टू टूल्स डेक्स टू जार एंड जेडीग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट मेथड सॉरी Third. My bad. The, uh, the last method was the ZX. So, these three methods are just through your application. Ko reverse it's your wish, how you want to reverse it, right? But my favorite one is this. Okay. So, now Android manifest file vulnerabilities. So, what are the Android manifest file vulnerabilities?

सो so बेसिकली uh, ये एक फाइल uh, है विच इज़ हैविंग ए ब्रिज बिटवीन द एंड्रॉयड डेवलपर एंड द एंड्रॉड प्लेटफॉर्म इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन में क्या फंक्शनैलिटी है या वी विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन्स राइट सो इसका जो एक्सटेंशन uh, है वो एग्जेम में है वो आप देख सकते हैं एंड uh, ये हर एक एप्लीकेशन में ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल रहती ही रहती है अगेन इस फाइल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं या फिर आ, आप देख सकते हैं वी आर हैविंग सम सर्विसेज जो हमने एलिमेंट्स में पढ़ी थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस फाइल में मिलेंगी एंड जब हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं आप कोई भी जो आ, देखते हैं मैनिफेस्ट फाइल उसका स्ट्रक्चर कुछ इस इस तरीके से होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द मैनिफेस्ट टैग राइट right? तो एंड भी मैनिफेस्ट टैग से होता है अदर देन दैट अगर आप एंड इट एंड इन द मैनिफेस्ट ठीक है इस तरीके से होता है सो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बट इसके अंदर uh, क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर अगर आप डिफरेंट टैग देखें आपको एक्शन टैग मिलता है ओके सो लेट्स डिस्कस यहाँ पे हमारा मैनिफेस्ट टैग है विच स्टार्ट हेयर एंड विच एंड हीयर ठीक है ये एलिमेंट है देन वी आर हैविंग आर नेक्स्ट विच इज़ ए यूज एस डी के दिस इज ए डिफरेंट टैग विच इज यूज हियर देन वी आर हैविंग ए यूजर परमिशन वैन वी आर हैविंग ए एप्लीकेशन विच स्टार्ट हेयर एंड ये सिंपली क्लोज हो रहे हैं बट ये यह यहाँ पे मेन टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है देन अदर देन देट वी आर हैविंग ए एक्टिविटी वी आर हैविंग ए इंटेंट फिल्टर एक्शन कैटेगरी ये अगेन इट्स एक्टिविटी is इज here, which is इज स्टार्टेड and एंड all ऑल आर द एक्टिविटीज दिस इज़ द एक्शन एक्टिविटी filler. टेंटफिलर so, तो इसी तरीके से ये सब क्या हैं हमारे एलिमेंट्स हैं अगर हम देखें यहाँ पे एक्शन है हमारा एक्टिविटी uh, है इसके अलावा अदर एप्लीकेशन में आपको और भी एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं एंड एप्लीकेशन ट वी हैव इज दस वी हैविंग ए वन मोर विच इज ए प्रोवाइडर ठीक है आपको यहाँ पे प्रोवाइडर मिल जाएगा सो so, ये सब क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? अभी इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है आगे जो इनके वैल्यूज दिख रहे हैं वो सब इनकी प्रॉपर्टीज है जैसे यूजर्स परमिशंस में यहाँ पे यूज परमिशन इसकी प्रॉपर्टीज है ठीक है सो so फर्दर की दैट इज यूज टू स्पेसिफाई कि किस तरीके की परमिशंस दैट आर रिक्वेस्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज या एस टी के ये सब क्या है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उसके बाद हर एक uh, जब हमें कॉम्पोनेंट्स के बारे में स्टडी uh, किया था तो वी सो सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स जैसे कि एक्टिविटी देखा था हमने ठीक है वी सो द सर्विस When, uh, i guess last session we have service and then we uh, there are, there were additional which i had not discussed which was like receiver no that we discussed broadcast receiver right sorry broadcast receiver take a broadcast receiver uh, what else we did uh, okay so other than that uh, we were having a uh, uh, content provider राइट इन दैट केस विच इज ए प्रोवाइडर राइट जो हमने एलिमेंट देखा दिस इज द प्रोवाइडर सो यूजली इसको ऐप प्रोवाइडर कहते हैं एंड इसके अलावा लाइब्रेरीज भी आती हैं तो ये जो सारी के सारी एप्लीकेशन है इसमें ये सारे के सारे हम जो हैं एलिमेंट्स यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स आपको वहां पे मिलेंगे ठीक है एंड हमने जो देखे भी अभी एप्लीकेशन uh, uh, में राइट अदर देन अगेन द स्ट्रक्चर आई वुड से इट स्टार्ट फ्रॉम द मैनीफेस्ट एंड मैनिफेस्ट ट्रैक इसका स्ट्रक्चर uh, है इसके बीच में आपको एलिमेंट मिलेगा ओके देन वी वुड हैव एप्लीकेशन टैग विच स्टार्ट हियर सो टिपिकली दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर मैनिफेस्ट फाइल ओके okay? सो so, यहाँ पे ये मैनिफेस्ट टैग क्या हो जाएगा क्लोज ठीक है तो ये हमारा एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है ठीक है अभी हम डिस्कस करते हैं कि मैनिफेस्ट फाइल में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं हमें क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है और किस तरीके से देनी है अगर आप कोई भी मैनीफेस्ट uh, फाइल यहाँ पे देखते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है सो so, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं यू विल गेट अ डिटेल लाइक आप पैकेज एंड्रॉयड वर्जन वर्जन नेम पैकेज मेन थिंग दैट वी रिक्वायर इज द पैकेज नेम इज अकर डॉट असीम डॉट डिवा सो वी रिक्वायर द पैकेज नेम जो कि हमें यूज होगा ठीक है इवन दो मैं हमने पी एम लिस्ट पैकेजेस से भी देखा था और डेटा डेटा डायरेक्टरी में भी जाके देखा था देन आपको प्लेटफॉर्म बिल्ड कोड मिल जाएगा प्लेटफॉर्म वर्जन नेम यहाँ पे मिल जाएगा सो ऑल दिस थिंग वी विल गेट हियर ठीक है सो so ये एक सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे चाहिए उसके बाद वी विल लुक इन टू द फ्लैग्स राइट सो वैन वी टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी इशूज़ इन द मैनीफिस्ट फाइल सो वेरी फर्स्ट सिक्योरिटी इशू इज़ द बैकअप मोड ओके सो इफ द बैकअप मोड क्या होता है ये डिस्क्राइब करता है कि ऑटोमेट इनेबल uh, होना चाहिए बैकअप डेटा सो अगर ये इनेबल्ड है बैकअप मोड इनेबल्ड है तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली होगा बैकअप जो भी डेटा है सो so, इस केस में अटैकर कैन टेक द बैक ऑफ योर डेटा एज वेल इवन दो आपका जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो स्टील कर सकता है एंड जिससे आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है वलननेबल हो सकती है सो दैट इज अ वलनेबिलिटी राइट सो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी ये जो है इट शुड बी सेट टू फॉल्स ठीक है तो एक तो ये सेट क्या होना चाहिए फॉल्स सेट होना चाहिए ठीक है सो so, ये एक फर्स्ट सिक्योरिटी इशू है विच वी हैव टू बी लुक सो लेट्स कम हियर एंड अब देखिए बैकअप इज ट्रू अगेन दिस इज द सिक्योरिटी इशू एंड ये यहाँ पे क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए फॉल्स सो so, एक ये है नेक्स्ट है ठीक है सेकंड है हमारा डीबग मोड ठीक है अभी डीबक मोड डिफाइन करता है कि एप्लीकेशन इज मेजरली डीबगेबल और नॉट एंड अगर इनेबल रहेगा तो ऑब्वियसली अटैकर को काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा प्रोडक्शन व्हेन द इज नॉट इन द प्रोडक्शन स्टेट एंड अगर ये सेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको फॉल्स करना पड़ेगा सो so दैट कोई भी uh, इसे इंफॉर्मेशन uh, ना ले अगेन इट्स अ क्रिटिकल वर्लनेबिलिटी विच कैन फर्दर डिस्क्लोज और द अटैकर कैन गेट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन अबाउट द यूजर शुड बी सेट फॉल्स सो दिस इज द वन थिंग ये डिबर कोड एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए स दिस इज ए ट्रू सो इट शुड सेट टू दीक है तो ये एक चीज ये यहाँ पे फॉल्ट रहना चाहिए ठीक है ये हो गया सेकेंड दूसरी चीज नॉट सेकेंड वन दर्ड वन विच वी रिक्वायर इज अ परमीशंस ठीक है नाउ दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट परमिशंस सो पर्मीशंस हमने देखा था तीन परमिशंस थी इंस्टॉल टाइम रनिंग एंड द स्पेशल राइट सो आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है तो विदाउट रिक्वायर रनिंग परमीशन ऐसा हो नहीं सकता ठीक है सो इट मस्ट रिक्वायर सम परमिशंस राइट टू डिवाइस टू एक्सेस द कैमरा और जी पी एस सो ओबली इट्स रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द यूजर सो इन केस यहाँ पे परमीशंस आपकी लाइक यूज़र और एप परमीशन ये सब आपके यहाँ पे दी रहनी चाहिए ठीक है यहाँ पे परमीशंस हैं अभी हमें ध्यान देना है जो लास्ट सेशन में हमने परमिशन देखी थी कि कहीं यहां पे डेंजरस परमिशंस तो नहीं है तो वो परमिशंस आपको देखनी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट एक्सटर्नल स्टोरेज इट्स डेंजरस रीड एक्सटर्नल स्टोरेज ये सब क्या है डेंजरस परमिशंस है सो तो आपको ये ध्यान में देना है कि डेंजरस है अगर वो मैंशन किया है तो क्या है जरूरत है कि नहीं है ठीक है सो तो ये सब की सब डेंजरस परमीशंस में आती हैं ठीक है थीके? तो ये एक ध्यान में देना है अदर देन दैट दैट्स इनफ आई गेस ओके वन मोर थिंग इज द एक्सपोर्टर टैग लाइक ये एक्सपोर्टर टैग का होना चाहिए यहाँ पे ये आपको चेक करना है एक्सपोर्टेड इज द ट्रू हियर ठीक है सो so बेसिकली अगर ये एप्लीकेशन इज पब्लिक देन इट कैन बी एक्सपोर्ट टू द अदर ऐप बट अगर आपकी एप्लीकेशन ही प्राइवेट है तो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द अदर ऐप तो ये आपको ट्रू फॉल्स uh, उस अगेन वही कॉन्सेप्ट को समझना है जो मैंने प्रोवाइडर में बताया था सो so, यहाँ पे ये एक चीज़ पे ध्यान देना है इफ़ योर एप्लीकेशन इज प्राइवेट सो इट शुड बी सेट टू फॉल्स एंड इफ इट्स अ पब्लिक टू द अदर एप्स सो वी शुड सेट इट टू ट्रू राइट सो ये एक चीज आपको ये टैग एक मेजरली ध्यान में देना है सो आई गेस दिस दिस वॉज लाइक मेन थिंग्स जो कि हमें यहाँ पे ध्यान में देनी है परमिशंस एंड द फोर्थ हमने देखा एक्सपोर्टर टैग एक्सपोर्टर टैग की दो कंडीशन थी इफ द एप्लीकेशन इज पब्लिक ट्रू इफ कंपोनेंट इज पब्लिक इंड फॉल्स इफ प्राइवेट ठीक है तो ये सब चीजें आप uh, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि कोई अदर आप इसको एक्सेस करें ठीक है तो ये था हमारा आज का सेशन in which we learned all these things basically the two things how we can reverse the application and the next we saw how we can uh, find the vulnerabilities statically so method was static method because we saw into the code right so how we can statically find the vulnerabilities in the manifest file right so that's it about this sessions thank you